ये ग्राम है लौकहा, गन्ना विकास परिषद गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और जिस खेत में मैं खड़ा हूँ ये देखिए CO 15023 गन्ना प्रजाति है, और इसकी देखिए बंधाई हो गई है 3। जी दूसरी हो गई, एक और करवाएंगे अच्छा, 2 हो गई। जी। तो 2 बंधाई कर दिया आपने, और बंधाई आपने इसी पत्ती से करवाई, तो जी पत्ती से गन्ना तो काफी अच्छा है। तो जी, ये कब का बोया है? ये सर अक्टूबर में बोया था, अच्छा, अक्टूबर में बोया ये था। जो पानी बरसा था तभी बोया था, अक्टूबर में? क्या 15 अक्टूबर के पहले का है या बाद का है? बाद का है। अच्छा, बाद का है। उसके पहले इस खेत में क्या था? धान था जी धान काटने के बाद एक गन्ना जी लगाया। गन्ना तो बोया, 15023 पे लगाया है, ये किस विधि से बोया है, ये किस ट्रेंच तरह? विधि तो से बोया था, ये दूरी कितनी है? ये दूरी 3 फुट है, तो 3 फीट इससे बोया था पेयरों से अच्छा, पेयर्ड रो से जी बोया है। जी पेयर्ड पेयरों रो से से है, तो जी पेयर्ड रो का मतलब दो नजदीक रही होंगी, जी एक एक थोड़ा और दूर चौड़ी तो हो जाएगी। जी पेयर्ड जी रो में जी होता है कि जी दो गन्ने की नालियां करीब एक 1.5 फीट पे हो जाती जी हैं, फिर जी 3 फीट हो जाएगी करीब, जी है जी फिर जी वही फिर डेढ़ डेढ़ फिर उस फिर तीन तरीके से पेयर रो से बोया है ये। तो जी इसमें इंटरक्रॉप भी लिया है क्या? जी इसमें लाही थी हमारी लाही। जी, और सरसों, और अच्छा कुछ हमारा इसमें धनिया के भी 2-4-6 कूट थे अच्छा जी लाही भी थी इसमें, जी धनिया भी था, धनिया और भी था, अभी आप कह रहे पालक भी पालक था। भी थी, एक कूट लगा रखा था हमने, अच्छा, हमने घर तो यूज, ये जो धनिया और पालक आपने लगाया, कि ये ट्रायल के रूप में लगाया? नहीं ये हमने पहले भी लगा लेते थे तो हमने इस अच्छा साल फिर थोड़ा लगा दिया, वैसे हम लगाया करते थे हमेशा। तो कितना है इसका एरिया, कितना होगा? ये 4 बीघे का एरिया एक एकड़। है एक जी एकड़ है? जी 1 एकड़ मान के चलिए, हाँ, एक एकड़ है, तो इसमें कितनी लाही हो गई होगी? लाही इसमें हो गई थी 4 कुंटल मान के 4 कुंटल। जी। और धनिया कितना हो गया? धनिया 2 कूट लगे थे, थोड़ा ही मान के चलिए धनिया हुआ होगा हमारा 10 किलो जी, खाने भर को हो गया, खाने भर का हो गया था देसी धनिया हो जी, गया। देसी धनिया। तो पालक वगैरह, पालक कितना हो गया? पालक काटी नहीं, वो खाते रहे अच्छा जी, अच्छा धनिया के साथ गन्ने का कैसा रेस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया है धनिया। एक तो हमें लग रहा कि कोई बीमारी नहीं लगती उसमें, बीमारी नहीं लगती, बीमारी नहीं लगती, जानवर भी नहीं आते हैं, जानवर भी नहीं आता और बीमारी नहीं लगती धनिया का, और इंसेक्टीसाइड का भी काम हमें लग रहा करता तीनों चीजें आपने लगाई इसमें। इसमें सरसों लगाया, और जी धनिया लगाई आपने, और जी पालक लगाई। पालक लगाई तो थी। अब आप देख रहे होंगे तीनों से गन्ना किसके साथ अच्छा है? गन्ना साहब जब देखा जाए तो लाही वाला भी गन्ना ठीक है, अच्छा, धनिया वाला? धनिया वाला भी वो ज्यादा बेस्ट, अच्छा, धनिया वाला ज्यादा धनिया बेस्ट। वाला ज्यादा बेस्ट, क्या रोग वगैरह नहीं लगते कुछ इसमें? नहीं लगा उसमें, अच्छा रोग नहीं लगता, वो धनिया जब ढक भी लेता तो गन्ना जब हटाओ तो बड़ा मोटा कल्ला नीचे से निकला, अच्छा नई प्रजाति को एक आंख से भी बोया जाए, थोड़ा सीड दुगना हो जाएगा उससे। तब वो कुछ प्रजातियां हैं जो सिंगल बड बोने वाली। तो आप लोग कहते हैं कि इसमें जो 15023 है, इसमें कीड़े मकोड़े बहुत आते हैं, क्या आपको ऐसा लगा? बाकी किसान तो कहते हैं ऐसा। साहब अब आपके सामने ही गन्ना है, हमने तो कोई भी स्प्रे नहीं करी, ना कोराजिन डाला, कोराजिन नहीं डाला? कोराजिन भी नहीं डाली इसमें, कोई मतलब जो नहीं हो 15023 है, जी, इसमें ये पंद्रह मान जीरो रहे हैं कि तेईस बहुत इसमें कीड़े मकोड़े लगते हैं, मिर्ची नहीं बहुत साहब, है। कोराजिन नहीं पड़ी और एक स्प्रे की इसमें कीटनाशक, फंगीसाइड तो डाला ही नहीं, फंगीसाइड के लिए हमने फिटकरी और नीला थोथा डाला है जड़ में अच्छा, जी, फिटकरी और नीला नीला थोथा। थोथा डाला आप पहले किसान ऐसे मिले जो फिटकरी और नीला थोथा की बात कर रहे हैं? नहीं साहब, तो ये हम कई फिटकरी और नीला थोथा क्या करता है? ये साहब, एक तो फंगीसाइड है, अच्छा एक जो फिटकरी हो जड़ में कीड़ा नहीं लगने देती कोई भी, वो इंसेक्टीसाइड का भी काम करती है, एंटीबायोटिक अच्छा जी तो कितनी फिटकरी डालते हैं आप? साहब। जो पानी में हम लोग डालें, जैसे पानी लगा रहे हैं तो 2 किलो एकड़ की 2 किलो एकड़ जी, में? नाले में रख दें, 2 किलो का डीला आता उसको नाली में रख दें तो अपने आप आ जाता, वैसे जो हम इसमें डालना चाहें 3 से 4 किलो इसको कूट के यूरिया में मिला के डाल सकते हैं, कितनी यूरिया में, एकड़ में अगर डाला? जितनी आपका छीटा लग जाए 25 किलो 30 किलो, ये आपने अच्छा, डोज देनी है तो 1 बोरी में भी मिला और जो सकते कह हैं, रहे नाली में रख दें? नाली में रख दें तो वो तो पूरे खेत में आ ही जाती है, बिल्कुल जड़ में अटैक तो करती अगर है 6 इंच का पानी नाली से आ रहा है, तो जी। कैसे अनुमान लगाते हैं कितनी देर में पिघल के पहुंच जाएगी? नहीं वो नाली के पाइप में न रखे, थोड़ा आगे रखे, वो हमें पता है मान के चलिए कि हमारे खेत में इतना समय लगेगा, वो धीरे धीरे पिघलती है उतनी देर में पिघल जी जाएगी। जी वो धीरे अच्छा, धीरे पिघलती, कपड़े में बांध के तो लगा दो आप कहते हैं कि कोराजिन मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, जी, कोराजिन और नहीं किया हाँ, तो फिर कोराजिन अगर इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर ये जितने बोरर वगैरह इसमें या जो भी कीट हैं, ये नियंत्रित हो जाएंगे उसे? हालांकि इसमें कुछ रोग है नहीं, अभी साहब, इसमें देखिए अब तक कोई रोग लगा नहीं रोग लगा नहीं है। कोराजिन नहीं जी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर भी आपको इसमें कोई कीट नहीं जी है? जी कोई कीट नहीं, कोई कोई भी हमारे तो आज तक लगा नहीं फिटकरी कि के कोई, अलावा जो अभी कुछ और भी? नीला थोथा कापर अच्छा, कापर, वो जी, कितना डाला? वो साहब 1/2 किलो एकड़ का पड़ता, वो कैसे प्रयोग करते हैं? उसको भी कूट के वो भी पत्थर आता,
कूट के फिर उसको कैसे? उसको यूरिया में मिला दें आप, या 250 ग्राम की स्प्रे भी कर सकते हैं। 250 ग्राम आधा किलो, फिटकरी की मात्रा आधा किलो रहेगी और नीला तोता की 250 ग्राम रहेगी, एकड़ की आप स्प्रे कर दें। कितने पानी में? उसको 200 लीटर पानी में घुल जाती है पानी में? जी बहुत बढ़िया, उसको रात में आप घोल के रख दें, भिगो के रख दें, सुबह घुल जाएगा। कूट के करने पे कोई मतलब नहीं साहब, वो तो ऑर्गेनिक हो गई। ये जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं ना, ये कितना पुराना अनुभव है साहब? ये कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, मान लिया 5-6 साल पुराना अनुभव। मुझे किसी किसान ने अनुभव शेयर नहीं किया, आप दूसरे लोगों से नहीं बताते? साहब बताते, हम तो बहुत लोगों को बताते, बहुत लोगों को डलवाते हैं। आप पहले किसान है जो ये नीरा थोथा और फिटकरी और कोराजिन इस्तेमाल नहीं करेंगे फिर भी कीट नहीं है? नहीं 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 होगा, अभी नीला थोथा ही डाल देंगे उसमें, एक तो बीमारी से लड़ने में गन्ने की क्षमता बढ़ा देता। जमीन भी खराब नहीं होगी? जमीन भी खराब नहीं होगी। अच्छा जी, तो बुआई के समय में इसमें क्या क्या उर्वरक डाल दिए थे? सब इसमें हमने डीएपी डाली। कितना? एक बोरी एकड़ की बुआई के, एक या डेढ़ बोरी एकड़ की। आपका यूरिया कितनी बार डाला? यूरिया ज्यादा नहीं डाली हमने, इसलिए पूछ रहे हैं कि कई किसान कहते हैं जैसे आप जैसे प्रगतिशील कहते हैं कि साहब इसमें यूरिया का कम से कम इस्तेमाल किया। नहीं इतना ज्यादा भी कम नहीं किया। अच्छा जी, कितना डाला होगा? मान के चलो 3 बोरी तो एकड़ की पड़ी जाती है। 3 बोरी जी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी करके जी अब तक जी इतनी डालेंगे, नहीं तो होगा नहीं, टेलरिंग नहीं देगा। टेलरिंग नहीं देगा जी। अच्छा, ये तो बीज में ही इस्तेमाल करेंगे? जी बीज में जाएगा। तो मिट्टी मिट्टी भी चढ़ी लग रही है? मिट्टी भी चढ़ाई थी इतनी बार? मिट्टी हमने 2 बार चढ़ाई है, अब हमें लग रहा फावड़े से चढ़ानी पड़ेगी। चढ़ानी पड़ेगी जी। गिरने देंगे कि नहीं गिरने देंगे? उम्मीद तो है कि नहीं गिरने देंगे, अब हमारे विचार है कि अब अगली बंधाई वो रस्सी से करवाएंगे। वो रस्सी से कैसे बंधाई कराएंगे? रस्सी से पहले तो हम इसको चौखटा लगवाएंगे, फिर ये ना गिरा तो हम पूरी नाली एक रस्सी से बंधवा देंगे। नाली मतलब ऐसे लपेट, फिर हम नाली बंधवा देंगे, उस पेड़ को बांधेंगे, उससे इसको बांधेंगे, उससे बांधेंगे, इधर बांधेंगे, इससे बांधे, निकलते चले जाएंगे। रस्सी को क्या सपोर्ट देंगे कि इसे खून नहीं? वो जब रस्सी को उस पेड़ में बांध देंगे तो ये उधर को नहीं जाने देगा, वो इधर को नहीं आने देते। हमने 38 की बंधाई कर चुके हैं पहले। अच्छा जी, तो यानी सारा कनेक्ट कर देंगे? जी सब कनेक्ट कर देंगे पूरी नालियों। जी इसमें कहे से करेंगे? रस्सी से करेंगे, बद्दी आती है काले रंग की। कितना एकड़ बद्दी लग जाती है? और साहब बहुत बद्दी लगती है, तो लेबर पे डिपेंड करती है। अच्छा, ये जब बद्दी वाली बंधाई से मैंने ये देखा, कहते हैं जब ये सब गन्ना काटा जाता है जी, और बद्दी जब है उसको काट देते हैं, खेत में गिर जाती है तो सड़ती नहीं है जी, और जब रोटावेटर वगैरह चलाइए तो उसमें फंसती है? नहीं, हम लोग खुलवा लेते हैं पहले। खुलवा लेते हैं जी, जैसे कि मान लिया हमें पता है हो जाता है दोबारा उसका? नहीं रीयूज तो नहीं होता उसकी। ये कई किसान ने कहा साहब ये जो बद्दी वाला है ये रोटावेटर को डिस्टर्ब कर, नहीं तो उसको काटो ना, उसको पता है कि हमारी इतनी दूर में लेबर को कह दो भी हमारी काट के रस्सी बना के रख दो। अच्छा। वो बना देती थी, हमने पिछले साल भी एक साल पहले भी कर चुके। टेक्निक ठीक है जी, नुकसान भी नहीं होगा, खेत में नहीं काट के डालना क्योंकि रोटावेटर में जी 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 रोटावेटर में फंसती है, बाकी मल्चर है, बाकी खेत में बद्दी प्लास्टिक है सड़ेगी नहीं। मल्चर चलाने में डिस्टर्ब करती है? जी जी मल्चर चलाने में डिस्टर्ब करेगी, और भी कोई भी जुताई करते। तो ये जो गन्ना देख रहे हैं गन्ना अच्छा है, कितना हो जाएगा एकड़ में उत्पादन? हमारा तो अनुमान लग रहा है, हम तो कह रहे हैं 400 भी निकल आए, देखो क्या होता। अच्छा तो है, देखिए सीधा है, गन्ना गिरा नहीं है, गिरा नहीं है इन्होंने जी। और जैसा इन्होंने फार्मूला बताया है ना कि वो हमने कोरा जिनका इस्तेमाल लगी, ये नई बात आपने जी नहीं किया, क्योंकि अक्सर कोई किसान ऐसा मिलता नहीं है कि 15-23 में कोरा जिनका नहीं किया। तो अब अगर मान लीजिए आपको लगेगा कहीं इंसेक्ट वगैरह इसमें आ रहा है, तो फिर अब यहाँ पे कौन सा चीज इस्तेमाल करेंगे? नहीं जी, अब हमारे पास कोई भी फॉल्ट इसमें आया तो हम इसमें एक बार और फ्यूराडॉन डालेंगे। कितना? इसमें बहुत कम डोज देंगे। अच्छा कितना फिर भी? एकड़ ये मान के चलिए हम 5 किलो या 6 किलो देंगे एकड़ में। एकड़ में हम पहले भी डालते रहे हैं तो बीघे में 1 किलो डालते रहे। रिकमेंडेशन तो ज्यादा है उसकी? नहीं वो ज्यादा है तो ज्यादा अभी दे देंगे, तो फिर वो आगे जाके फिर उसको कितना देंगे। ये तो माना जाता है कि 12 किलो देना चाहिए जी, मानते तो हैं पर हम कम ही डोज देते हैं हर चीज। अच्छा। जी ज्यादा दवाई जो ज्यादा नहीं देते, दवाई ज्यादा नहीं। तो अभी आप कह रहे थे धनिया के साथ अच्छा रिस्पांस, धनिया ठीक है? धनिया तो ज्यादा, अगली बार बढ़ाने के विचार है? हाँ धनिया बोएंगे, बढ़िया बढ़िया रिस्पांस है धनिया का, ज्यादा रिस्पांस। धनिया का रेट भी ठीक रहता है? रेट भी ठीक रहता जी, और उत्पादन भी ठीक? जी उत्पादन भी ठीक है, कूड़ के ऊपर बहुत कोई दिक्कत नहीं, धनिया ठीक। तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया, और ये जो आपने इंसेक्टिसाइड कम से कम प्रयोग कर रहे हैं, और जो फिटकरी और नीला तोता वाला आपने जी, एक जी, नया फार्मूला आपने बताया जी, अक्सर ये किसान बताते नहीं है। नहीं हम तो कई लोगों को करवा चुके हैं, धान में भी डलवाया है, अपने धान में भी डाला है, और कई लोगों का इसका फिटकरी और नीला तोता का फिटकरी साहब 30-40 रुपए किलो,
नीला थोता आपका 400 रुपए किलो हो गया जी। अभी कितना बताया था? आधा किलो, आधा किलो, 200 का हो गया। इतना महंगा भी नहीं जी? महंगा नहीं, इतना हाई भी केमिकल भी नहीं जी है, जी जी, जमीन को खराब नहीं करता, नहीं करता जी। चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा गन्ना है आपका जी, क्योंकि सह फसल भी आपने लिया जी और गन्ना भी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेंद्र सिंह जी। थैंक यू सर। जो गन्ना आपने देखा था वो वाला 400।